Okay guys, so that's how I look. I'm wearing this kind of shirt. Sorry. And with my famous most liked flared pants. I don't know, pants aap shayad yahan acche tarike se dekh sake. I don't know. Sorry, mere ghar ka mirror jo hai wo kabhi is tarah saaf nahi hua hota. So let me show you my makeup. Baal aaj mere itne mujhe bure lag rahe hain na. I'm gonna go टू यूनिवर्सिटी और वहाँ मैं ठीक करूँगी. और मेरे हेयर कलर भी इतना उतर गया है, इट्स अ डिजास्टर. अच्छा, मैं कर रही थी पेपर्स चेक, और पेपर्स चेक करते करते मुझे शदीद भूख लगी हुई है. तो मैंने सोचा कि लंच मंगवाऊँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने पुलाव मंगवाया है, और मैंने स्पेशली उनसे कहा कि मुझे रायता ज़्यादा देना है. तो उन्होंने रायता इसमें भी दिया है बॉक्स में, और फिर प्लेट में अलग दिया. तो लेट मी शो यू द शक्ल ऑफ द लंच. बड़ी अच्छा हो. यम, इट लुक्स सो गुड. तो देखें, ये रायता भी है और ये सैलड भी है और साथ में ये वाला भी है. अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस वगैरह आ रही हैं वर्क वाइज, क्योंकि हमारे HOD नए आए हैं एंड ही इज़ समवट वेरी एक्टिव. तो काफ़ी सारे न्यू रूल्स आए हैं. इतना मज़े का ये है पुलाव कि मैं आपको बता नहीं सकती. ऐसा लग रहा है, विच आई डोंट नो इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यखनी में बना हुआ है. सो गुड. तो मैं आपको बता रही थी कि डिपार्टमेंट में ये मस्ट कर दिया कि पेपर्स जो हैं वो हम घर नहीं लेके जा सकते, पेपर्स हमें यहीं पे चेक करने होंगे डिपार्टमेंट में ही, मतलब ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में पेपर, ताकि कोई मिसप्लेस ना हो, कोई मार्किंग में कोई ऊंच नीच ना हो. तो मुझे तो बड़ी नींद आती है ऑफिस में, और घर जाके मैं बड़े मज़े से वैसे चेक करती हूँ. लेकिन चलें, ये भी अच्छा है. जितने भी न्यू मेजर्स लिए जाते हैं, दे बेसिकली टू इम्प्रूव थिंग्स. और हमारी यूनिवर्सिटी में इम्प्रूवमेंट पर बहुत काम होता है, एटलीस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो एक कोशिश होती है. तो अभी मैं फेसबुक पे न्यूज़ देख रही थी, आई थिंक एक शो है नया सवेरा, और वो डिस्कस कर रहे थे कि जिन बच्चों के मैट्रिक में या आई थिंक FSC में 1100 में से 1100 मार्क्स आए या 10-15 मार्क्स सिर्फ कम आए, वो बच्चे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे एंट्री टेस्ट पास ही नहीं कर पाए. सिर्फ आ खान स्कूल के बच्चे हैं जो पास कर पाए. तालीम का लेवल तो हमारे मुल्क में मज़ीद गिरता जा रहा है. वैसा मुल्क जहाँ पहले लोगों में एथिक्स और मॉरल्स की इतनी शदीद कमी हो, वहाँ जब तालीम कम होगी, मज़ीद गिरेगी, सोचें वहाँ हाल क्या होगा. अब मुझे चिकन खाने से ना बड़ी चिढ़ होती है, मुझे चिकन पसंद ही नहीं है. वैसे मैंने सोचा हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी से लंच नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेन वेट. लेकिन घर में कुछ था ही नहीं कि मैं लेके आऊँ, मेरे कबाब भी ख़त्म हो गए थे. आजकल मैंने YouTube पे काफ़ी वीडियोस अपलोड करना शुरू की हुई हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक नहीं की थी, और मेरे व्यूज़ ऐसे गिरना शुरू हो गए. मतलब जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे मैं सोच रही थी कि कुछ चैनल्स हैं जो एवरेज हैं, लेकिन दे आर डूइंग सो गुड, उनको इतने व्यूज़ मिलते हैं, आई डोंट नो हाउ. मेरी बहनों ने इतनी शॉपिंग की है, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स हैं जिन पे वो लगी हुई हैं सेल्स, तो
तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए भी कपड़े ले लिए ताकि नेक्स्ट ईयर फिर उन्हें फुल प्राइस में ना लेने पड़े। और मैं सोचती रही लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ लेजीनेस की वजह से भी। और हमारी लिफ्ट काफ़ी हद तक लग गई है, मतलब एटलीस्ट लिफ्ट नज़र आना शुरू हो गई है, पहले तो नज़र भी नहीं आती थी, लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वरना आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई है और मेरा दिल कर रहा है धूप इंजॉय करने का, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि फिर मेरे से इतना ऊंचा आया नहीं जाएगा। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू कम्प्लीट मार्किंग क्योंकि मंडे को आज क्या दिन है, थर्सडे, मंडे को फिर मेरा एक और पेपर है, मतलब मेरा पेपर नहीं है स्टूडेंट्स का, लेकिन मार्क तो मुझे ही करना है ना। मैंने ना एक नूडल्स बनाए थे, सूप नूडल्स भी नहीं कहेंगे, जैसे कोरियन नहीं होते सूप सा होता है, उसमें बहुत सारा कुछ होता है, नूडल्स भी होते हैं, डम्पलिंग्स भी होते हैं, बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, वो बनाया था। और मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई उसकी, मुझे इतने लोगों ने कहा उसकी रेसिपी बताएं, मैंने सोचा मैं इस वीकेंड पे बनाऊंगी। आज सुबह मुझसे उठा ही नहीं जाता, सर्दियों में मेरे लिए उठना इतना मुश्किल होता है ना। मैंने अपनी बहन को कहा है कि उसने मुझे सुबह उठाना है और जब तक मैं उठूँ ना उसने मेरे रूम से जाना नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत, तो शी मेक्स श्योर कि मैं जाग जाऊँ। कोई मज़े की टीवी सीरीज हो तो बताइएगा, सुपर नेचुरल ना हो लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सी हो, फैमिली ड्रामा जो होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। इस दफा मेरी किसी बहन ने वीकेंड पे नहीं आना घर, मैं अकेली होऊंगी। जब वो आती हैं तब भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ मैं तब भी बहुत इंजॉय करती हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ मैं मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हूँ, मुझे शेयर भी नहीं करनी पड़ती। हाँ वो नहीं इस्लामाबाद वाला केस जिसमें वो एक लड़की को और एक लड़के को, इन्होंने एक लड़का एक आदमी था उस्मान मिर्ज़ा, उसने हरेस किया था, सुना है? उस लड़की ने गवाही देने से इनकार कर दिया। और आप देखें हमारी सोसाइटी इतनी मिसोजिनिस्ट है, हर किसी ने कहना शुरू कर दिया लड़की ने पैसे ले रही होंगी, हालांकि पाकिस्तान में चीज़ें विटनेसेस को हटाने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली लोगों को खौफजदा भी कर सकते हैं। तो हो सकता है उसको इतना थ्रेटन किया, जो इतना कर सकते थे वो थ्रेटन नहीं कर सकते। और हर जगह में पड़ी लालची है, पैसे ले रही है, मैं तो नहीं मानती कि पैसे लिए, उसे इतना थ्रेटन किया होगा। शाज़ेब मर्डर केस में भी यही हुआ था, उनकी पूरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। मैं शुरू में लग रहा था मुझे मज़ा आएगा खा के, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा, खा मैं फिर भी नहीं, बट इट्स नॉट, आई डोंट नो इफ इट्स नॉट टेस्टी और आई एम नॉट इन्जॉइंग। मैंने 2-3 माह पहले बनाया था चिली ऑयल, एक चाइनीज़ या कोरियन ये चीज़ होती है जो होती है ना होल पेपर, दड़ा मिर्च, उससे बनता है वो, आप नूडल्स में भी डाल सकते हैं, सूप्स में भी, बहुत मज़े का था। आई थिंक मैंने उसकी रेसिपी किसी व्लॉग में शेयर की थी या मे बी नहीं की थी, लेकिन वो बड़ी यूज़फुल चीज़ है। मैंने इतने अच्छे अलसी के लड्डू बनाए थे कि अब्बू को इतने अच्छे लगे, अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे भी बना के दो,
फिर इस वीकेंड पे मैं उन्हें बना के दूंगी। और क्योंकि अब मेरे पास कोई ड्रामा नहीं है आजकल देखने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ वो आतिफ असलम वाला ड्रामा जो है संगे माँ, वो शुरू करूँ। शायद मुझे मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि नमक मिर्च बहुत कम है। मुझे एकदम से ना बहुत, शुरू से मैं स्पाइसी खाती हूँ, लेकिन अब एकदम से मुझे ज़्यादा ही स्पाइसी का शौक हो गया, मज़ीद स्पाइसी का। मेरी नीस कितने सारे टॉयज हैं जो हमारे घर रह गए। अब मेरी बहन रोज़, बड़ी बहन जो उसकी अम्मी है, वो कॉल करती हैं कि वापस भिजवाओ हमें, अब किसी के पास टाइम ही नहीं है। वैसे ये कि क्वांटिटी इतनी अच्छी है, ज़्यादा सी, कि आराम से पेट भर जाए। और मैं टिश्यू लेने गई, छोड़ें वो बाद में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी किसी ब्लॉग में बताया था कि जैसे मेरे थोड़े बाल लंबे होते हैं ना, मेरी बहनें करना शुरू हो जाती हैं, तो मैं उलझन होती है और फिर तुम छोटे करा लेती हो। तो मैं इस दफ़ा उनको कहती कि नहीं, इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा, इस दफ़ा मैंने बाल लंबे करने हैं। लेकिन अब मुझे फिर शदीद चिढ़ होना शुरू होगी बाल लंबों से। आई एम थिंकिंग टू गेट बॉब कट। मेरी बहन ने भी वुल्फ कट कराया, जो बहुत टिकटॉक पे फेमस है। सो आई वॉन्ट टू गेट लाइक, आई वॉन्ट टू हैव लाइक शॉर्ट हेयर, क्योंकि मुझे वैसे ही अपने बाल इतने पसंद नहीं है।